नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव रेसिपी। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल को मैं अच्छे से धोकर भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं उसमें झटपट आपको मटर पुलाव बनाकर दिखाऊंगी। अब गैस पर एक बर्तन रखे हैं मटर पुलाव बनाने के लिए। जैसे बर्तन गर्म होते ही मैं उसमें रिफाइन ऑयल डालूंगी। रिफाइन ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैं थोड़ा जीरा डालकर भूनूंगी। जीरा डालने के बाद मैं उसमें कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ते। ये सब डालकर थोड़ा भूनूंगी। भून जाने के बाद मैं उसमें दो कटे हुए प्याज भी डालूंगी। प्याज को भी अच्छे से उसको भूनूंगी। प्याज भी भून जाने के बाद उसके बाद मैं उसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी, डालकर अच्छे से भूनूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा भून जाने के बाद मैंने एक अदरक लिया था, उसे मैं थोड़ा कद्दूकस कर दी थी पतला पतला स्लाइस में, उसे भी थोड़ा मैंने उसमें डालकर अच्छे से उसे भुना। साथ में एक हरी मिर्च भी डाले। फ्रेंड्स, आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से मिर्च डालिएगा। अब सब भुन जाने के बाद मैंने हरे मटर लिए थे फ्रेश वाले, अब मैं उसे डालकर अच्छे से भुनूंगी। अच्छे से उसमें भून जाने के बाद मैं उसमें दो चार मिनट भून कर मैं उसमें जो चावल मैंने भिगो कर रखा था उसे मैं डाल दूंगी पानी निकाल कर, और उसके साथ मैं अच्छे से भूनूंगी। अब मेरा चावल और मटर अच्छे से भून चुका है। अब मैं उसमें दो गिलास पानी डालूंगी, और मैं इतना पानी डालूंगी कि जितना कि चावल से एक इंच पानी ऊपर रहे। फ्रेंड्स, जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ मैं पानी पुलाव से चावल से एक इंच ऊपर रखती हूँ, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए और पूरा पुलाव और राइस भी अच्छे से पक जाए। अब मैं गैस को हाई फ्लेम में रखूँगी ताकि अच्छे से पानी में बॉयल आए, और पानी बॉयल होते ही राइस अच्छे से पकने लगे। जब मैं देखूँगी कि पानी आधा सूख गया है तब मैं गैस को मीडियम फ्लेम रख दूंगी। अब मीडियम फ्लेम रखने के बाद फिर मैंने ढक दिया है। ऐसे करके मैंने जब राइस में एकदम पानी कम हो जाएगा तब मैं उसे लो फ्लेम में ढक कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी कि मेरा मटर पुलाव कैसे बना है, पूरा खिला खिला और एकदम परफेक्ट। देखिए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि मेरा मटर पुलाव कैसे बना है। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा हर रेसिपी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।